पाक बहरिया की फ्लीट यूनिट्स ने भारत के मजमूम आजाइम को नाकाम बनाते हुए इस बात का सबूत दिया है कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। पाकिस्तान नेवी ने जिस भारतीय आबदोज की मौजूदगी का सुराग लगाया और पाकिस्तानी समंदरी हदूद से दूर धकेल दिया, ये सबमरीन कौन सी है, बता रही है साथी एंकर जरिया आरिफ। मेरे कदमों के नीचे जो आप दोस्त आप देख रहे हैं उसका नाम शिशुबर सबमरीन क्लास 209 है। ये जर्मन साख्ता आबदोज है जिसे भारत ने 1980 में जर्मन से खरीदा था। नाजरीन, चंद माह पहले भारत ने जिस आबदोज को अपग्रेड करने का जर्मन कंपनी से 35 बिलियन यूरो का मुआवजा किया था, वो यही आबदोज है जिसका हमारी बहरिया ने सुराग लगाया है। इसका पूरा नाम 209 सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिक है। इसमें एक डीजल इंजन होता है जिसे इलेक्ट्रिक जनरेटर से जोड़ा जाता है जिससे बिजली पैदा होती है और सबमरीन पानी में हरकत करती है। आइए अब इसके अंदर की साख भी आपको दिखाते हैं। की खास बात यह है कि ये जासूसी के साथ साथ हमला करने की भी भरपूर सलाहियत रखती है। इसकी 8 बोज हैं जिसमें मिसाइल और हथियार लॉन्च किए जाते हैं और सब एक ही वक्त में फायर भी किए जा सकते हैं। अब हम आपको इसकी साख्त और स्पीड के बारे में भी बताते हैं। ये पानी की सतह पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा जबकि पानी के अंदर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर करती है। नाजरीन, ये सबमरीन 1.5 साल तक 500 मीटर गहरे पानी में भी रह सकती है। इसको ऑपरेट करने के लिए 30 से 35 क्रू का ग्रुप होता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि पाक नेवी ने इस आबदोज का सुराग कैसे लगाया। पहले पाक नेवी के जदीद रडार सिस्टम ने भारतीय आबदोज के सिग्नल्स पकड़े, फिर पानी के अंदर जहां वो मौजूद थी उस जगह का पता लगाया और घेरा तंग कर दिया। घेरे में लेने के बाद भारतीय आबदोज को सरेंडर करने का पैगाम दिया जिस पर उसे पानी की सतह पर आना पड़ा। समुद्र में छुपी आबदोज का सुराग लगाकर उसे घेर लिया जाए और सतह यहाँ पर आने पर मजबूर कर दिया जाए तो जंगी इस्तेलाह में उसका मतलब सरेंडर होता है। शुक्र खुदा।